सो गाइस अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, तो हम मुरैना को करने वाले हैं बाय बाय क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरे शहर, और वो कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो का स्टार्ट मैंने कर दिया है और बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन ठीक है कर दिया। फोरन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या बैग से प्रॉब्लम हो रही है उसको, इतनी ज़्यादा बिल्कुल नहीं आना चाहिए उसके पास। तो हुरैन तो सो रही थी, हुरैन को हमने सोते सोते से उठा दिया है, बस जल्दी जल्दी उसको रेडी किया और बस उसको लेकर आ गए। बसें तो अभी भी रखी हैं, चुनाव वाली रखी है, वही से दर्दी बस तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन, और ये हम दूसरे वाली साइड से आए हैं, गोडाउन वाले एरिया से आए हैं। तो बस अभी लेते हैं टिकट, वहाँ पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म पर। हुरैन ने जगह चेंज कर ली, हुरैन आगे पहुँच गए। तो गाइस मम्मी लेने गई है टिकट और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे हाथ में भी बैग है, इनके हाथ इनके पास भी और मम्मी के पास। ट्रेन अभी सो गाइस अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और हुरैन यहाँ पर खेल रही है, और गाड़ी हमारी रुक चुकी है यहाँ बामपुर पे, रुक गई है तो अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम तक और रुकती है। ये जब ट्रेन रुकती है तो बेकार लगती है है ना हुरैन, क्या कहती है ना? और हुरैन का ये तीसरा सफ़र है ट्रेन में, मतलब हुरैन जब से पैदा हुई जब से बस एक बार झांसी गई है और वहाँ से रिटर्न आई है, तो ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम हो गया उसका, ठीक है ना हुरैन? हाँ, तो हुरैन का ये थर्ड टाइम है ट्रेन में। अब हुरैन जा रही है डबरा अपनी नानी से मिलने, पर नानी से मिलने पर नानी से मिलने जा रही है हुरैन, है ना बिट्टू? तो गाइस ग्वालियर आ गया है अभी, वो ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी है। चेंज हो गया डबरा का, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था तो बहुत इधर का, पहले तो सिर्फ ये तीन ट्रैक थे, बाकी ये सब कुछ भी नहीं बना था। पर नानी से मिलने आई है, पर नानी से मिलने आई, उनके पर लग चुके हैं तो मिलने आई हैं। यहाँ से बाजार जाते थे इस रोड से, गली से बच जाते थे, तो गाइस अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रेन में तो नहीं बताया था, अब घर आ गए हैं तो अब बता देती हूँ कि हम आए हैं अपनी छोटी नानी के घर, तो उनके क्या बोलते हैं पोते का आज बर्थडे है अर्शियान का, तो उसके उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो हम लोग आए हुए हैं। और अभी पूरा बाहर डेकोरेशन का काम चल रहा है, अभी आधा अधूरा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और सारे जो भी गेस्ट आए हुए थे वो हमारी नानी के साइड में चले गए हैं, और कुछ मतलब मोहनी के मायके साइड वाले थे वो भी एक और घर पे चले गए हैं, तो ऐसा है। तो अभी हम लोग हैं फ़िलहाल यहाँ पे, तो गाइस नाश्ता तो हमने कर लिया है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर डेकोरेशन, जो बर्थडे का डेकोरेशन है वो कैसा क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जब हम लोग आए थे ना तो उस टाइम पे चल रहा था,
और अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है। कोको मेलन थीम थी, पूरा जो भी डेकोरेशन था वो कोको मेलन का कराया गया था, केक वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को डेकोरेशन दिखाया और मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना, तो आप लोग मैनेज कर लेना ठीक है। और यहाँ पर जो बर्थडे हुआ है अर्शियान, उसका जो है एंट्री किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो कार है ये उसके फुफ्फियों की साइड से थी, जो कि उसके फुफ्फियों ने गिफ्ट की थी उसको। तो घर में उसको जो है गुन्नू कहते हैं प्यार से। और उसके यहाँ पर मम्मी पापा दोनों हैं जो कि उसकी एंट्री करवा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, आप लोग बहुत सारी दुआएं देना उसको। और यहाँ पर अभी केक वेक सब रेडी हो चुका है, सारे गेस्ट लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले जो है मामू ने उसको चेन पहनाई जो कि सिल्वर में थी। और यहाँ पर अभी वही केक कटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा कुछ ही देर में, सारे गेस्ट आ गए हैं। तो बस सबका ही वेट किया जा रहा था, एक दो लोग और रह गए थे, फिर उसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो ये है मेरी फिरदौस खाला, मतलब मेरी मम्मी के जो मामू हैं उनकी चार बेटियाँ और एक बेटा है। और ये डिज़ाइनर भी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो कि इनका एक बुटीक भी है फिरदौस नाम। तो जो भी डबरा से हो तो शायद उनको पता होगा, या नहीं भी पता हो तो मैं बता ही देती हूँ लोगों को कि इनका एक बुटीक भी है। अगर जो भी डबरा से है वो सिलवाना चाहते हैं या ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो इनसे करवा सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं, जहाँ उनकी फैमिली के सारे कपड़े जो उन्होंने ही स्टिच किए हैं। और बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग केक कटिंग का प्रोग्राम हो ही गया है, सब लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं, और इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे भीड़ वाड़ में, तो इसलिए उसको मैंने मोबाइल दे दिया है, तो अभी भी ठीक है। और यहाँ पे खाना भी स्टार्ट करवा दिया है, छोले भटूरे और पुलाव वगैरह सब कुछ बना हुआ था। यहाँ पे मम्मी आ गई है गिफ्ट देने के लिए, और फोटो भी क्लिक किए जा रहे हैं, साथ साथ में वीडियोज भी बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक यही मौका होता है जिसमें कि सब लोग मिलजुल जाते हैं, वैसे कौन किसके घर पर जा रहा है, ऐसे कुछ खास मौकों पर ही सब मिल पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये और खाला है मेरी, जो कि फिर दोस्त खाला से छोटी है, यहाँ पे उनकी ये सासु मम्मा। तो यहाँ पे ना अर्शा थोड़ा सा रोने लग गया था, और उसके साथ फोटो क्लिक भी नहीं हो पा थे। तो बस अभी केक कटिंग हो चुका है, तो बस वही फोटो वीडियोस ले रहे हैं अर्शियान के साथ में। तो मेरा गला इतना ज़्यादा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। सो अर्शियान का तो प्रोग्राम हुआ खत्म, उसके साथ में सभी लोग फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे मामू का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे उनका बर्थडे मनाया जा रहा था फूलों के साथ में, और फिर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं उनको। तो यहाँ पे मेरी खालाएँ आ गई थी, फिर दोस्त खाला, रोशन खाला, तो सब फार फूल खिला रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं, कह रहे हैं इनका बर्थडे है आज, इनको आज बर्थडे बॉय बनाते हैं। तो ऐसे ही मजाक चल रहा था, मामू कह रहे ये वाला वीडियो मेरा मत बनाना, लेकिन फिर भी मैंने आपको के लिए बनाया है। और बहुत ही अच्छा मोमेंट लग रहा था इस टाइम पे, भाई बहनों का प्यारा माशाल्लाह से ऐसे ही बना रहे हैं सबका। बस अभी ये फैमिली फोटो का मोमेंट आ जाता है, यहाँ पे मेरे मामू और उनकी चार बहनें। तो बस अब सारे गेस्ट जो है चले गए, सिर्फ हम लोग ही रह गए थे घर घर के। तो अब सब लोग भी खाना खा लेते हैं, यहाँ पे खाना लेकर के आइए, खाना के लिए खाना खा लो, फिर स्टॉल हटने वाला है। और सर्दियाँ आ रहा था, कॉफ़ी भी वो बोल रहे थे जल्दी जल्दी से कॉफ़ी मतलब पियो, जितना भी फिर मैं हटा यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद सब लोग बैठ करके यहाँ पर
खाना खा रहे हैं और अभी ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी तो उसको उन्होंने बैठा लिया साथ में ही। वैसे बच्चों के साथ में भी खेल रही थी थोड़ा थोड़ा, उसको ना ज़्यादा लोगों के साथ में अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम सब लोग बैठ कर खाना खाते हैं, आप ऐसा खाना खाने के लिए बर्थडे पार्टी हो गई खत्म। और गला मेरा इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अपने गल लिए कर रही हूँ गर्म पानी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसमें कर लेती हूँ। घर में कुछ भी प्रोग्राम करो इतना तो गाइस यहाँ पर हम सब बैठ कर के बातें बातें कर रहे हैं, बहुत हंसी मजाक चल रही है क्योंकि बहुत ही कमी से ऐसा टाइम मिल पाता है जो कि सब लोग मिलजुल जाए और बातें करें खूब सारी। तो यहाँ पर रात के 3:30 या 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो हम सब लोग बैठ कर के यहाँ पर बातें बातें कर रहे थे। सारे के जो भी गेस्ट थे वो चले गए थे, हम लोग घर वाले ही सब लोग बचे हुए हैं। यहाँ पे बस यही बात कर रहे हैं, हम लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।